वेलकम टू टुडेज न्यूज़, जो हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना, बात कर रहे हैं सुपरस्टार शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान की। कई दिनों से सुपरस्टार शाहरुख खान वॉर फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ फिल्म पठान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। खबरें आ रही हैं कि 50 साल पूरे होने पर यशराज फिल्म प्रोडक्शन शाहरुख खान की फिल्म पठान की अनाउंसमेंट करने जा रही है। ये फिल्म बहुत ही बड़ी फिल्म होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म होने वाली है, क्योंकि शाहरुख इस फिल्म में अपने सबसे ग्रैंड रोल में नजर आने वाले हैं। शाहरुख अपनी लेटेस्ट अपडेट जो है पर इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें जॉन अब्राहम इसके साथ जुड़ गए हैं। खबर है कि फिल्म में जॉन अब्राहम भी मुख्य किरदार में नजर आ सकते हैं। खबरों की माने तो फिल्म में शाहरुख के साथ जॉन भी नजर आएंगे। हालांकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, इसीलिए जॉन का रोल क्या होगा इस बारे में बताया नहीं जा सकता। लेकिन फिल्म में एक दोनों को एक दूसरे के अपोजिट देखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि लीड एक्ट्रेस के बतौर शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ रहा है। इससे पहले भी शाहरुख और दीपिका फिल्म ओम शांति ओम में पहली बार नजर आए थे, जो कि दीपिका की डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद इन लोगों ने चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में काम किया। ये तीनों ही फिल्में सुपरहिट हुई, ऐसे में पठान फिल्म से उम्मीद भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इनसे मिली और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।